गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामीनारायण। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है दीपावली की तैयारी? लोगों ने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया है और हमने, आपको याद ही होगा, एक्सरसाइज 6C से हमने मल्टीप्लिकेशन का यहाँ से छोड़ा था, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट क्या दिया है? मल्टीप्लिकेशन 23 मल्टीप्लाई बाय 121। फर्स्ट हमें क्या दिया है? 23 मल्टीप्लाई बाय 121। तो हम क्या करेंगे, अरेंज करके लिखेंगे 23 मल्टीप्लाई बाय 121। हमने क्या सीखा था कि यहाँ पे जितने डिजिट है डाउन में उससे वन लेस जीरो आएगा। तो यहाँ पे कितने डिजिट है? 1, 2 एंड 3। तो कितने ज़ीरो आएंगे? 2 ज़ीरो। फर्स्ट हम ये करेंगे। फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के पास से स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, ये वन का टेबल कहाँ तक बोलेंगे? 3, 1 3 जा 3, देन वन का टेबल 2 तक, 1 2 जा 2, तो यहाँ पे 2। फिर नेक्स्ट प्लस, अभी क्या होगा, ये 2 लेंगे, पर 2 कौन से डिजिट पे है? 1 एंड 2, तो यहाँ पे कितना ज़ीरो आएगा? 1 ज़ीरो, ये याद रखना है। अभी क्या करेंगे, ये 2 का टेबल कहाँ तक बोलेंगे? 3 तक, तो 2 3 जा कितना होगा? 6 लिखा। नेक्स्ट ये 2 का टेबल 2 तक, तो 2 2 जा 4, ये हुआ। उसके बाद अभी क्या करेंगे, 1 1 के आगे कोई डिजिट है नहीं है, तो 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, मीन्स 0 नहीं लिखना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा? 3। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 जा 2, और ये प्लस का सिंबल। अभी हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। देखो 0 प्लस 0 प्लस 3 कितना होगा? 3। और 6 प्लस 2, 0 प्लस 6 6, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 4 कितना होगा? 7, और ये 2, यहाँ कुछ नहीं, मिस 0 0, तो 2 प्लस 0 प्लस 0 कितना होगा? 2 ही रहेगा। तो आंसर क्या आया? 2783। तो ये हमने क्या किया, सीधा ही जैसे हमें दिया था वही वैसे ही लिखा। अब हम इसको सेम कैसे कर सकते हैं, 121 मल्टीप्लाई बाय 23। हमने फर्स्ट ही क्या सीखा था, ए मल्टीप्लाई बाय बी करेंगे या बी मल्टीप्लाई बाय ए, आंसर हमें क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, हमने आगे सीखा है ना। तो ये हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। देखो अभी यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, 1 एंड 2, तो 0 कितना आएगा? 1 ज़ीरो पुट करना है। अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये सिंबल के पास से स्टार्ट करेंगे। तो अभी 2 का टेबल कहाँ तक? 2 का टेबल 1 तक, 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अभी नेक्स्ट ये 3 है, आगे कुछ नहीं है, मिस यहाँ 0 नहीं लिखना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे, 3 का टेबल 1 तक, 3 1 जा 3, नेक्स्ट 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अभी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो देखो 0 प्लस 3 कितना हुआ? 3, 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 3 7 एंड 2, यहाँ पे कुछ नहीं, मिस 0, 2 प्लस 0 2, आंसर क्या आया? 2783। तो हमें कोई भी वैसे करेंगे आंसर सेम मिला, 2783। हमने आगे भी सिखाया, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो भी 6 मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो भी 6 मिलेगा, सेम वैसे यहाँ पे किया। नेक्स्ट हमें दिस बी, ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है, होम प्रैक्टिस में आपको घर पे करना है। ये भी सी भी होम सेम वे से होगा, 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 3 डिजिट है, सेम वे से ये भी होगा। तो ये आपको क्या करना है, होम प्रैक्टिस में करना है। अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दिस सेकंड में ए 142 मल्टीप्लाई बाय 320 है, 142 मल्टीप्लाई बाय 320। फर्स्ट हम क्या करेंगे, अरेंज करके लिख लेंगे। तो ये हमने लिखा 142 मल्टीप्लाई बाय 320। सबसे फर्स्ट यहाँ पे कितने डिजिट है? 1, 2 एंड 3 डिजिट, तो कितने ज़ीरो आएंगे? 2 ज़ीरो, क्योंकि वन लेस करना है। अभी क्या करेंगे, ये सिंबल के पास से स्टार्ट करेंगे, 3 का टेबल कहाँ तक? 2 तक, 3 2 जा 6, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 4 जा 12, 12 का 2 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 1 क्या होगा? कैरिड, 3 1 जा 3, प्लस 1 कितना होगा? 4। नेक्स्ट अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर यहाँ 2 के बाद कितने है? 1 डिजिट है, तो कितना 0 आएगा? 1 ज़ीरो आएगा, 1 एंड 2 1 ज़ीरो। 2 का टेबल कहाँ तक बोलेंगे? 2 2 जा 4, नेक्स्ट 2 4 जा 8,
टू वन ज़ा टू। नेक्स्ट है ये ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। देखो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई टू ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई फोर ज़ीरो, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई वन ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई ज़ीरो, आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। नेक्स्ट ज़ीरो प्लस फोर, ज़ीरो प्लस ज़ीरो कितना होगा, फोर। सिक्स प्लस एट करेंगे तो कितना आएगा, फोर्टीन। फोर्टीन का फोर यहाँ पे लिखेंगे, वो टेन के प्लेस पे है, प्लस वन क्या होगा, कैरी। वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस टू कितना होगा, फाइव, और ये फोर। फोर प्लस यहाँ कुछ नहीं है, ज़ीरो, तो ये फोर। तो आंसर क्या आया, 45,440। तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, देखो अरेंज करके लिखा, कितने डिजिट है, वन टू एंड थ्री, तो कितने ज़ीरो आएंगे, टू। फिर ये टू को लेंगे तो वन एंड टू डिजिट बचे हैं तो कितने आएंगे, वन। इजी। देखो बच्चों हमने ये अभी किया, बाकी का ये बी और ये सब आपको क्या करना है, होम प्रैक्टिस में करना है, ये भी होम प्रैक्टिस में, दिस वन आल्सो इन होम प्रैक्टिस। अभी हम कौन सा वाला करेंगे, ये थ्री ए है वो अभी करेंगे। क्या दिया है, 1245 मल्टीप्लाई बाय 324 दिया है, 1245 मल्टीप्लाई बाय 324। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ डाउन में हमें कितने डिजिट दिए हैं वो काउंट, तो कितने हैं, वन टू एंड थ्री। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये सिंबल के पास से स्टार्ट करेंगे, मिस ये थ्री से स्टार्ट करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, आपको वन लेस करना याद नहीं रहता, तो हम क्या करेंगे, ये थ्री के बाद कितने डिजिट बचते हैं, वन एंड टू डिजिट, तो कितने ज़ीरो आएंगे, टू ज़ीरो आएंगे। इजी। अभी तो याद भी नहीं रखना है, क्या करना है, ये थ्री को लेना है तो थ्री के यहाँ पीछे कितने डिजिट है, वन एंड टू, तो कितने ज़ीरो लिखेंगे, टू ज़ीरो लिखेंगे, और ये थ्री से स्टार्ट करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, थ्री का टेबल कहाँ तक बोलेंगे, फाइव तक। थ्री फाइव जा कितना होगा, फिफ्टीन, और फिफ्टीन में ये फाइव यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वो टेन के प्लेस पे है, और ये वन क्या होगा, प्लस वन कैरी। थ्री फोर जा कितना होगा, ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन कितना होगा, थर्टीन। थर्टीन का थ्री यहाँ पे लिखेंगे, प्लस वन क्या होगा, कैरी। थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस वन कितना होगा, सेवन, एंड थ्री वन जा थ्री। नेक्स्ट अभी कौन सा डिजिट लेंगे, थ्री के बाद ये टू है, तो अभी क्या करेंगे, देखो ये टू डिजिट लेंगे, उसके पीछे कितने डिजिट है, वन डिजिट है, जीरो कितना आएगा, वन जीरो आएगा। इजी। अभी क्या करेंगे, ये टू का टेबल कहाँ तक बोलेंगे, फाइव तक। टू फाइव जा टेन, जीरो यहाँ पे लिखा, प्लस वन क्या होगा, कैरी। अभी टू फोर जा कितना होगा, एट, एट प्लस वन कितना होगा, नाइन। टू टू जा फोर, एंड टू वन जा टू। अभी क्या करेंगे, ये फोर के लिए फोर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, थ्री और टू से कर दिया, अभी फोर के बाद कुछ है नहीं है तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करेंगे, फोर का टेबल कहाँ तक बोलेंगे, फाइव तक। फोर फाइव जा कितना होगा, ट्वेंटी, तो कहाँ लिखेंगे, ज़ीरो यहाँ पे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो टेन के प्लेस पे, और प्लस टू क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस टू कितना होगा, एटीन। एटीन का एट यहाँ लिखा, प्लस वन क्या होगा, कैरी। फोर टू जा कितना होगा, एट, एट प्लस वन कितना होगा, नाइन, और ये फोर बन जा फोर। अभी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। देखो सारे डिजिट हो गए, अभी एडिशन करना है। देखो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो क्या रहेगा, जीरो। जीरो प्लस जीरो प्लस एट, तो एट। देखो फाइव प्लस नाइन कितना होगा, फोर्टीन। फोर्टीन प्लस कितना करना है हमें, नाइन, तो आंसर क्या आएगा, ट्वेंटी थ्री। थ्री को यहाँ पे लिखेंगे, और प्लस टू क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। तो अभी देखो टू प्लस थ्री कितना होगा, फाइव। फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन प्लस फोर कितना होगा, थर्टीन। थर्टीन का थ्री यहाँ पे लिखेंगे, प्लस वन क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। देखो क्या होगा, वन प्लस सेवन एट, एट प्लस टू टेन, जीरो यहाँ लिखा, वन क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड। वन प्लस थ्री कितना होगा, फोर। क्या मिला, 4,3380। ये हमने अभी किया, ये बी वन है, हमें क्या करना है, होम प्रैक्टिस में करना है, मीन्स कि आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये सी की भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, होम पे ये काउंट करना है होम प्रैक्टिस में, मीन्स कि आपको होमवर्क में लिखना है। नेक्स्ट अभी हमें क्या दिया है, ए मल्टीप्लाई बाय 403 बाय 304, मीन्स कि 403 बाय 304।
मल्टीप्लाई 403 बाय 304। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट अरेंज करके लिखेंगे 403 मल्टीप्लाई बाय 304। अभी जस्ट हमने क्या सीखा, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन की साइन के पास से स्टार्ट करेंगे। अभी कहाँ से, ये थ्री से स्टार्ट करेंगे, तो थ्री के बाद कितने हैं डिजिट, वन एंड टू, तो कितने ज़ीरो पुट करेंगे, टू ज़ीरो पुट करेंगे। अभी क्या करेंगे, थ्री का टेबल थ्री तक, तो थ्री थ्री जा नाइन। नेक्स्ट अभी थ्री का ज़ीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ज़ीरो, थ्री फोर जा ट्वेल्व। नेक्स्ट डिजिट ज़ीरो है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। देखो ज़ीरो मल्टीप्लाई, फर्स्ट हम क्या करेंगे, वन डिजिट पीछे, देखो ये क्या है ज़ीरो, उसके बाद कितने डिजिट हैं वन, तो कितना ज़ीरो आएगा, वन ज़ीरो। अभी क्या करेंगे, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन थ्री से, तो ज़ीरो, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो से तो ज़ीरो, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन फोर से तो भी ज़ीरो। ये आप स्टेप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी क्या करेंगे, फोर से, तो फोर के पीछे कोई भी डिजिट है नहीं है, तो ज़ीरो आएगा, नहीं आएगा। अभी क्या करेंगे, फोर का टेबल थ्री तक, फोर थ्री जा ट्वेल्व, टू यहाँ पे लिखा, प्लस वन क्या होगा, कैरी। अभी क्या करेंगे, फोर का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो से, तो आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो, ज़ीरो प्लस वन कितना होगा, वन। समझ आया क्या किया, फोर मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, आंसर ज़ीरो मिला, और ये कैरी था क्या था, प्लस वन, तो क्या होगा, ज़ीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन। फोर मल्टीप्लाई बाय फोर कितना होगा, सिक्सटीन। अभी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस टू कितना आएगा, टू, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस वन कितना होगा, वन। देखो नाइन प्लस सिक्स कितना होगा, फिफ्टीन, फिफ्टीन का फाइव यहाँ पे लिखा, प्लस वन क्या होगा, कैरिड, वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू, ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मिस टू एंड दिस टू, तो हमें आंसर क्या मिला, 1,22,512। हमें क्या दिया है, 12 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 4, 34। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट 12 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, तो ये तो हमें आता ही है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 12 8 जा कितना होगा, वही आंसर आएगा। एक बार कर लेते हैं, 8 टू जा होगा, 2 8 जा 16, 6 यहाँ लिखा, प्लस 1 क्या होगा, कैरिड, 8 1 जा 8 प्लस 9 कितना होगा, 96। और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 12 8 जा 96। अभी क्या करेंगे, देखो ये आंसर मिला, उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 34 से, तो ये 96 मल्टीप्लाई बाय 34। समझ आया, हमने क्या किया, फर्स्ट 12 मल्टीप्लाई बाय 8 किया, उसका जो आंसर आया उससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 34 से, तो क्या करेंगे, 96 मल्टीप्लाई बाय 34। तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं, ये मल्टीप्लिकेशन के पास से स्टार्ट करेंगे, ये थ्री लेंगे तो उसके पीछे कितने हैं, ओनली वन डिजिट है, तो कितना ज़ीरो आएगा, वन ज़ीरो। थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स कितना होगा, 18, 8 यहाँ पे लिखा, प्लस वन क्या होगा, कैरिड, थ्री नाइन झा 27, प्लस वन कितना होगा, 28। अभी क्या करेंगे, फोर को लेंगे, फोर के पीछे कुछ है नहीं है तो क्या होगा, ज़ीरो नहीं लिखना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे, फोर मल्टीप्लाई बाय सिक्स तो कितना होगा, 24। तो फोर को कहाँ लिखा, यहाँ पे, प्लस टू क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड, और फोर नाइन जा कितना होगा, फोर नाइन जा 36, प्लस क्या होगा, टू, तो कितना आ जाएगा, 38। अभी क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, फोर ज़ीरो प्लस फोर फोर, 8 प्लस 8 16, 6 यहाँ पे, प्लस 1 कैरेट, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 कितना होगा, 12, 2 यहाँ पे लिखा, प्लस 1 प्लस 2 3, आंसर क्या आया, 3264। सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 7 जो आंसर आएगा, वो आंसर किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 46 से। तो ये आपको क्या करना है, होम प्रैक्टिस में करना है, ये भी होम प्रैक्टिस में, और ये भी होम प्रैक्टिस में, ये अभी हम करेंगे, तो ये क्या है, होम प्रैक्टिस में करना है। 57 मल्टीप्लाई बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 230। देखो सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, 57 मल्टीप्लाई बाय 14, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सिंबल के पास से स्टार्ट करेंगे, ये 1 के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 0 कितना आएगा, 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा, 7। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 5 जा 5। नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 4, तो 4 7 जा कितना होगा, 28। 8 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, प्लस 2 कैरी, 4
4 5 20 प्लस 2 कितना होगा 22। अब क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, 0 प्लस 8 8, 7 प्लस 2 कितना होगा 9, 5 प्लस 2 कितना होगा 7। तो हमें 57 मल्टीप्लाई बाय 14 का आंसर क्या मिला, 798। तो अब हम क्या करेंगे, 798 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 231 से। समझ आया, हमने क्या किया, हमें डिफरेंट थ्री डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दिया है, 57 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 231। तो हमने क्या किया, फर्स्ट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसका जो आंसर आया उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, 200 जो हमें थर्ड दिया है मीन्स के 231 से। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के सिंबल के पास से स्टार्ट करेंगे। अब ये 2 लेंगे तो उसके पीछे कितने डिजिट है, 1 एंड 2, तो कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। अंडरस्टैंड, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं, ये 3 डिजिट है तो 1 लेस करेंगे तो 2 जीरो आएंगे। अभी क्या करेंगे, 2 का टेबल 8 तक, 2 8 जा कितना होगा 16, 6 यहाँ लिखा, प्लस 1 क्या होगा कैरेट, 2 9 जा कितना होगा 18, प्लस 1 कितना होगा 90, प्लस 1 क्या होगा कैरेट, 2 7 जा 14, प्लस 1 कितना होगा 15। अभी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3 के बाद कितने डिजिट है, 1, तो 0 कितना आएगा 1 जीरो। अभी क्या करेंगे, 3 का टेबल कहाँ तक, 8 तक, 3 8 जा कितना होगा 24, 4 कहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, और क्या होगा प्लस 2 कैरी फॉरवर्ड। अभी क्या करेंगे, 3 का टेबल 9 तक, तो 3 9 जा 27, प्लस 2 कितना होगा 29, तो 9 को कहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, और प्लस 2 क्या होगा कैरी फॉरवर्ड। अभी क्या करेंगे, 3 7 जा 21, प्लस 2 कितना होगा 23। अभी नेक्स्ट 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके पीछे कोई डिजिट है नहीं है तो 0 नहीं आएगा, तो 1 का टेबल 8 तक, 1 8 जा 8, 1 9 जा 9, 1 7 जा 7। अब क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, देखो 0 प्लस 0 प्लस 8 कितना होगा 8, देखो 0 प्लस 4 प्लस 9 कितना होगा 13, प्लस 1 क्या होगा कैरी फॉरवर्ड। देखो अभी क्या करेंगे, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 9 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 16, 16 प्लस 7 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7 करेंगे तो 23, 3 कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 2 क्या होगा कैरी फॉरवर्ड। 9 प्लस 2 कितना होगा 11, 11 प्लस 3 कितना होगा 14, तो 4 को कहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 1 क्या होगा कैरेट, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 कितना होगा 8, और ये 1, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 1,84,338। तो एक्सरसाइज 6D पेज नंबर 42 में हमें सबसे प्लाई बाय 8 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 9, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमें पता है 5 8 जा कितना होगा 40, प्लस 7 9 जा कितना होगा 63। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट 40 प्लस 63 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा, बट हम अभी क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि हमारे क्या हो, मिस्टेक ना हो, और हम क्या करें करेक्ट आंसर दे पाए। तो फर्स्ट क्या दिया है, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, उसका आंसर क्या आएगा 40, प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना दिया है 63। अब ये एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा 103। क्या करना है, सबसे फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो भी हमें दिया होगा। नेक्स्ट है वो हम क्या करेंगे, दिस वन, ये हम होम प्रैक्टिस में करेंगे, सेम वे से है, इजी है, डायरेक्टली भी आप कर सकेंगे, आपको टेबल आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, टेबल याद रखते हैं। नेक्स्ट है 2a 8 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे फिर सबसेक्शन करेंगे। तो इसमें हम फर्स्ट वन क्या कौन सा वाला करेंगे, दिस वन करेंगे, d है वो 20 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 6, तो उसका आंसर क्या आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आएगा 120। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पे रफ में कर लेना। क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 6 0 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 0 0 6 टू जा 12, तो क्या मिला आंसर 120। नेक्स्ट हमें दिया है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर आपको टेबल आता है तो आप डायरेक्टली
आंसर दे सकते हैं, नहीं आता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 2 जा कितना होगा 12, 2 यहाँ लिखा प्लस 1 क्या होगा कैरेट, 2 1 2 प्लस 1 कितना होगा 32। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हमें क्या मिला 32। अभी क्या करेंगे हम, 120 माइनस 32, देखो यहाँ पे साइड में करेंगे, ये रफ पेज में 120 माइनस 32, 0 माइनस 2 नहीं होगा, क्या करेंगे यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 10 और ये क्या हो जाएगा 1, 10 माइनस 2 कितना होगा 8, यहाँ पे अगेन 1 हो गया तो 1 माइनस 0 नहीं होगा, तो क्या करेंगे यहाँ से बोरो करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 10, 10 प्लस 1 कितना होगा 11, 11 माइनस 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा आंसर 8, और यहाँ पे तो अभी 0 हो गया क्योंकि ये बोरो हो गया, तो आंसर क्या मिला हमें 88। तो हम समझ रहे हैं हमें क्या करना है, प्लस या माइनस कोई भी हमें सिंबल दिया हो फर्स्ट हम क्या कर देंगे, जो जितने भी मल्टीप्लिकेशन दिए होंगे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, उसके बाद एडिशन एंड देन सब्स्ट्रैक्शन। हमें थर्ड में क्या दिया है, यहाँ पे अभी हमें क्या होगा मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्स्ट्रैक्शन सब साथ में दिए हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 8। जस्ट अभी हमने क्या सीखा, सबसे फर्स्ट हम जितने भी मल्टीप्लिकेशन है वो कर लेंगे, यह है 10 मल्टीप्लाई बाय 16 तो आंसर क्या आएगा 116 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 हम डायरेक्ट दे सकते हैं आंसर, 12 3 जा कितना होगा 36 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8 9 8 जा कितना होगा 72। तो ये कर दिया, अभी तो हमें आगे भी हमने सीखा है क्या करेंगे, फर्स्ट एडिशन करेंगे, तो एडिशन क्या मिलेगा 160 प्लस 36 तो क्या होगा 196 माइनस 72। तो अभी क्या करेंगे, 6 माइनस 2 कितना मिलेगा हमें 4, 9 माइनस 7 कितना मिलेगा हमें 2 और ये 1, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला 124। समझ आया क्या किया हमें, हमने मल्टीप्लिकेशन किया उसका आंसर जो आया उसके बाद हमने क्या किया एडिशन कर दिया और फिर क्या किया सब्सट्रैक्शन, तो ये हमें याद रखना है। क्या करना है, बाकी के जो सम है वो हमें क्या करना है होम प्रैक्टिस में करना है, और सब में क्या रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे एडिशन एंड देन सब्स्ट्रैक्शन, बस यही रूल से आपको ये सारे होम प्रैक्टिस में करने हैं। और क्या करना है, टेबल मस्ट याद करना है, जितना आप टेबल करोगे उतना मैथ्स आपके लिए क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा।